जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि आज से लगभग एक सप्ताह पहले हमने एक समय परिवर्तन मनोना धाम की एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे श्याम प्रेमी मनोना धाम पहुँच रहे हैं और हमें फ़ोन भी कर रहे हैं कि भैया, आपने जो वीडियो डाली थी उस वीडियो के हिसाब से टाइम टेबल सेट नहीं है मनोना धाम में, तो क्या आपने वो वीडियो गलत डाली थी? तो आपसे हम कह देना चाहते हैं कि वीडियो गलत नहीं थी। कुछ समय पूर्व, लगभग एक सप्ताह पहले जब हमने वो वीडियो डाली थी, तब माननीय महंत जी श्रीमान ओमेंद्र महाराज जी ने मनोना धाम का समय परिवर्तन किया था। ये बात सत्य है और यह परिवर्तन 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को हुआ था। और लगभग 4 दिन बाद, चूँकि भक्तों को समस्या हुई उस समय परिवर्तन में, इसलिए लगभग 4-5 दिन के बाद में महंत जी ने पुनः समय परिवर्तन कर दिया है। चूँकि हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं जो लेटेस्ट समय परिवर्तन हुआ है, जो वर्तमान में चल रहा है, इसलिए श्याम प्रेमी भ्रमित हैं और लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं। इसलिए आज हम ये वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। आप ये वीडियो जरूर देखना आज पूरी, अगर आप मनोना धाम जाने का प्लान बना रहे हो। आज 12 सितंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार है। प्यारे साथियों, उस पुरानी वीडियो में हमने आपको बताया था कि मनोना धाम में आरती का जो समय है वो सुबह 5:30 बजे का था, लेकिन अब जो वर्तमान का समय है वो पुनः 7 बजे हो चुका है, जो कि पहले हुआ करता था। अब आरती मनोना धाम में सुबह 7 बजे हो रही है। और महंत जी को जो देखने का समय है, जो मरीजों को देखेंगे महंत जी, वो 9 बजे से देखेंगे। 9 बजे अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे और 2-2 घंटे बाद 9 से 11 देख लिया, फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेंगे, फिर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक देखेंगे। इस तरीके से 9 बजे से 3 बजे तक देखने का प्रावधान रखा गया है, 2-2 घंटे के अंतराल पर, 9 से 11 और 1 से 3। उसके पश्चात हमने जो आरती के शाम का समय डाला था उस पुराने वीडियो में, वो 6 बजे का था। और अब जो वर्तमान का समय है आरती का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आरती का समय शाम का भी 6 बजे का ही है। आप अगर आरती में शामिल होना चाहते हो, जल के छींटे लेना चाहते हो और मोर छड़ी का झाड़ा, जो कि माननीय महंत महाराज जी देते हैं, जिससे अलौकिक चमत्कार मनोना धाम में भक्तों के साथ हो रहे हैं, तो आप आरती में सम्मिलित जरूर होइए सुबह 7 बजे, शाम को 6 बजे। और पुरानी वीडियो में हमने आपको एक चीज़ और डाली थी कि शाम के समय जो महंत जी देखेंगे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक देखेंगे। यह बात भी सत्य है, इस समय भी महंत जी 7 बजे से बैठेंगे और 10 बजे की जगह 9 बजे तक देखेंगे। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और 10 भी बज सकता है यदि भक्तों की लाइन लंबी है या मरीजों की संख्या ज़्यादा है। और जो पुरानी वीडियो में हमने रात्रि का समय डाला था महंत जी का भक्तों को आशीर्वाद देने का, रात्रि में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, बस यही समय थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि जो दूर दराज से मरीज या भक्तगण आते थे उनको रात्रि में लाइन में लगने में बहुत बड़ी असुविधा हो रही थी। चूँकि कोई भी मरीज है, अगर खड़ा नहीं हो सकता है या किसी लंबी समस्या से ग्रसित है, तो रात्रि में उसको जाग पाना अत्यंत कठिन था। मरीजों की सहूलियत देखते हुए, मरीजों का जो सुविधा है उसका ध्यान रखते हुए, माननीय महंत जी ने रात्रि का जो 1 बजे से 4 बजे तक की समय सारणी थी वो निरस्त कर दी है। अब पूरी इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि सुबह आरती 5:30 की जगह 7 बजे होगी,
महंत जी सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठेंगे और शाम की आरती 6 बजे होगी और महंत जी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठेंगे। अब जो वर्तमान समय सारणी है वो यही है, इसलिए आप उस पुरानी वीडियो को जो हमने समय परिवर्तन की डाली थी उसको फॉलो ना करें ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब बहुत से श्याम प्रेमी ये भी पूछते हैं हमसे फोन करके कि अलंकार भैया आप बताएं कि हम अगर लाइन में नहीं खड़े हो सकते हैं, अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लाइन में लंबी नहीं खड़े हो सकते हो, ज़्यादा अस्वस्थ हो, तो भाई आप टोकन ज़रूर लें, क्योंकि टोकन लेने के बाद जो एक स्टील की रेलिंग है उसमें मरीजों को सीधा सीधा प्रवेश दे दिया जाता है और महंत जी वहीं पर आके उन भक्तों को आशीर्वाद दे जाते हैं। ये प्रावधान बहुत अच्छा रखा है और ये टोकन सिस्टम सभी के लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो लाइन में नहीं खड़े हो सकते हैं, जो अत्यंत गंभीर मरीज हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आप सही हैं तो आप टोकन ना लीजिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे बाबा देख रहा है। आप अगर उस टोकन का मिसयूज करेंगे तो ये बात आपके लिए अच्छी नहीं है, बाबा उसका पनिशमेंट आपको ज़रूर देगा। तो ईमानदारी का परिचय देते हुए विधिवत लाइन में लगकर दर्शन करें, क्योंकि लाइन में लगकर दर्शन करने का अपना एक अलग ही आनंद है और निश्चित मानिए बाबा की कृपा भी आपको निश्चित रूप से मिलेगी और पूरी मिलेगी। जो लोग शॉर्टकट में दर्शन करना चाहते हैं कृपा भी उनको शॉर्टकट की ही मिलती है, निश्चित रूप से लाइन में लगकर ही दर्शन करें। तो कैसी लगी प्यारे साथियों आज की हमारी ये जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। जय श्री श्याम, जय मनोरंधाम, जय हो महंत जी महाराज की।